हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने इस रूम को किया है डीप क्लीन, तो वही मैं सब चीज़ इसमें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैंने इस रूम को कैसे चेंज किया है, क्या किया है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा अच्छा खासा टाइम इसमें चला गया था, बट फिर मैंने सोचा जब लगी रही हूँ तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि होली भी आ रही है तो होली की भी क्लीनिंग करनी है। तो सारे विंडो सारे में गीला कपड़ा करके ना मैंने पूरा वो साफ़ किया था, क्योंकि सफाई तभी हुई इस रूम की, अच्छे से सफाई तब हुई थी जब हम यहाँ पर आए थे। वैसे तो देखिए, जब हम डेली करते हैं झाड़ू पोछा होता है, बट रोज़ इतने अच्छे से नहीं कर पाते कि सारा सामान हटा हटा के। तो मैंने यहाँ से बेड हटा दिया है और बेड के नीचे मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, और उस साइड में कर दिया है मैंने ये सोफ़ा जहाँ पर था बेड। और अभी तो आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मैं फाइनल वो दिखाऊंगी कि अब कैसा लग रहा है। और जहाँ से सोफ़ा हटाया है वहाँ उसके नीचे भी अच्छे से कपड़ा लगा दिया है, उधर चला गया है बेड। तो मैं यहाँ पर अभी अपने सारे जो भी हैं सोफ़ों को भी अच्छे से सूखे कपड़े से, ना कि गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये वाला गेट मैंने परमानेंटली कर दिया है बंद अभी, और बस सारे सोफ़े वोफे जो भी हैं अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर लगा दूँगी। थोड़ा सा इस रूम को मैनेज करने की कोशिश की है, जैसे कि वो फैला हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वुमेंस के लिए, खास करके आपके बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, वो बहुत सारे त्यौहार हैं, शादियाँ हैं, इस महीने में शादियाँ भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारा हमारा खर्चा हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको खरीदनी होती हैं, बट हमारा बजट मगा जाता है। और हम औरतें जो होती हैं ना, वो मतलब फैमिली के बारे में पहले सोचती हैं, अपने बारे में बाद में सोचती हैं। तो आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, आप अपने लिए भी हर चीज़ खरीद सकते हैं, वो भी छोटी छोटी EMI पर। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जस्ट मनी की, क्योंकि आजकल हम सा जमाना ही ऑनलाइन शॉपिंग का है। तो आप लोगों ने भी की होगी, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, उनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से चेकआउट कर लीजिए और फिर शॉपिंग कीजिए जस्ट मनी के थ्रू। जी हाँ, अगर आप जस्ट मनी के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या क्या मिलता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप जस्ट मनी के थ्रू शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर बन जाती हैं आपकी छोटी छोटी EMI। जी हाँ, छोटी छोटी EMI। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो आप वहाँ से उसकी छोटी छोटी EMI में उसका पे कर सकते हो, और वो भी 0% इंटरेस्ट पे। वहां आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है अगर आप जस्ट मनी के थ्रू करते हैं। और जस्ट मनी पर अभी चल रही है वुमेन्स डे स्पेशल सेल। जी हाँ, अगर आप 3,000 की वहां पर शॉपिंग करते हो तो आपको 1,500 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। और जस्ट मनी सेलिब्रेट कर रहा है आई वॉल्व सेल। जी हाँ, वुमेन्स के लिए वुमेन्स स्पेशल आई वॉल्व सेल, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और बहुत अच्छा है। आप शॉपिंग कीजिए, बेझिझक शॉपिंग कीजिए, छोटी छोटी EMI में अगर आप पे करते हो ना, तो आप पर मतलब बर्डन नहीं आता है किसी भी चीज़ का, टुकड़ों में पैसे देते हैं तो इतना भारी भी नहीं पड़ता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को जस्ट मनी के बारे में कुछ बता देती हूँ कि मनी को कैसे आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो अगर आप भी जस्ट मनी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जस्ट मनी को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो कि आपको फिल करनी है, और ये आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं देखता है, बस आपको KYC प्रोसेस ठीक तरीके से करना है, और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट सही तरीके से डालनी है जिससे कि वो आपकी क्रेडिट लिमिट का पता लगा लेते हैं। और जैसे ही आप चेकआउट करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है जस्ट मनी EMI अंडर कार्डलेस EMI ऑन पेमेंट ऑप्शन। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं अमेजोन, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, यात्रा, 3,000 से भी ज़्यादा ब्रांड हैं। जस्ट मनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पर शॉपिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए पूरा।
तो देखा ना आप लोगों ने जस्ट मनी को यूज़ करना कितना आसान है। जस्ट मनी एक डिजिटल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है और जस्ट मनी पर अभी हम वुमेन्स के लिए एक सेल चल रही है, आई वोल्व सेल, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और यूज़ कीजिए, इंजॉय कीजिए। और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत फ़ायदेमंद है, मैं यूज़ किया है और बस छोटी छोटी सी EMI बना ली है, हंसते खेलते चुका देंगे, क्या जाना है इसमें। और हमारे हस्बैंड लोगों पर भी इस चीज़ का बर्डन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर सारा जो सामान जहाँ पर सेट करना था, जो बड़ा बड़ा सामान था, वो सब सेट कर दिया है और सोफ़ों के कवर झाड़ करके डाल दिए हैं अच्छे से। यही कुशन लगा दूँगी मैं, चेंज करूँगी वैसे, मशीन लगाऊँगी तो इनको निकाल लूँगी। और अभी अलमारी के ऊपर बहुत धूल थी तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है अच्छे से। और अभी मैं एक और मतलब चेंज करने जा रही हूँ, जो कि आप लोग मुझे बोल रहे थे, तो बताइएगा कि कैसा लगा है। मैंने तो मतलब जो आप बहुत सारे लोगों ने यही चीज़ बोली थी कि आप ना इन गद्दों को यूज़ कर लीजिए, वैसे नीचे डाल लीजिए, सीटिंग एरिया बना लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की है ऐसा डालने के रखने की। और हाँ, हेल्पफुल तो है ये, बैठने के उठने बैठने के भी काम आ जाएगा, बेडशीट लगा करके बहुत अच्छा सा एक सिटिंग एरिया बन गया है। तो मैंने इस पे डाल दी है बेडशीट और भी, और इस पे मैं एक तकिया और एक छोटे वाली अपनी कुशन जो है वो लगा दूंगी। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ठीक किया या नहीं। अभी मैंने सारे कंबल फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लगा दिए हैं, फिर मैं इनको अभी मुझे क्योंकि इनको ड्राई क्लीन पर देना है, तो पूरा जो था रूम वो तो सेट कर दिया है मैंने, सारा सामान लगा दिया है, बस थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी है, थोड़ा सा इनको साफ़ करना है। तो मैं ये टेबल जो है वो साफ़ कर ले, कांच की जो टेबल्स होती हैं ना, वो ये वाली भी और मेरी डाइनिंग टेबल भी, उनको मतलब डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि इन पर थोड़ा सा भी हाथ लग जाता है तो उसी के निशान दिखते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये वाली टेबल भी साफ़ कर दिया है, पूरा सामान सारा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इस रूम के लिए मैंने दूसरी मैट मंगाई है, ये वाली यहाँ मतलब ये जो सोफ़ा कवर है इनसे सबसे मैच होती है, तो मैं इसको डाल देती हूँ, अदरवाइज़ देखती हूँ कोई और मैट डालने के लिए मंगा पाई तो। और बस पूरा रूम साफ़ हो गया है, कपड़े बचे हुए हैं जिन कपड़ों की मुझे तह लगानी है, इन कपड़ों को तह लगाऊंगी, पूरा रूम बेडशीट वेडशीट सब सही करूंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो सेटिंग तो हमने कर दी है भाई, जैसी हमसे हुई मतलब इस रूम की, जितनी मुझे ठीक लगी वो मैंने कर दी है। सोफ़ा इधर, सिंगल सोफ़ा इधर, और ये गद्दे मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आप लोग बोल भी, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप ना इन गद्दों को यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, तो ये अच्छे लगेंगे। मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया है, बैठ सकते हैं आसानी से यहाँ पर, और बेड अभी पूरा फैला हुआ है। पूरा रूम क्लीन करने के बाद में, अच्छे से सब सेट करने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल रूम। तो वैसे तो पूरी कोशिश की है मैंने, बट आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कुछ सुधार हुआ है या नहीं, या पहले की तरह ही ऐसा ही लग रहा है फैला फैला सा, तो मुझे बताना ज़रूर। वही तो हम पूछत रहे चाय का, हाय हाय कितने परेशान हो तुम दुनिया को लेके। क्या नाम है इस हैंड वॉश का? स्ट्रीलियम। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे इसमें? अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है, अल्कोहल है ना 75% तो। हाँ हाँ देख, मैंने कहा था ना, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आज हमारे चौधरी साहब ने दिमाग चला दिया सच में, बहुत ज़्यादा मतलब लेना है जरा साहब पे, इसको बंद करो, रखो ऐसे 20 सेकंड तक, इसको हाथों से ऐसे मसलो। इसका तो वैसे भी नशा सा हो जाएगा, इसमें तो बिल्कुल अल्कोहल है ना, वही तो कह रहा हूँ अल्कोहल है। हमारे चौधरी साहब बिल्कुल सीरियस हैं, लेकर के जो दिल्ली में कोरोना वायरस का थोड़ा
सुसपाट सा फैला हुआ है, पर हमारे घर में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। जब से आए हैं 3-4 मास्क लेकर के आए हैं, हैंड वॉश ले आए हैं, हम कह रहे हैं थोड़ा कंट्रोल करो, माहौल अच्छा रहने दो घर का। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो कैसे स्टार्ट हो रहा है मुझे नहीं पता, और मैंने आप लोगों को दिखाया है कि रूम कैसा हो गया है, कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेहनत तो मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दिया है कि ये कमरे में ना थोड़ा सा मन लगे। और सच में मैं कल से रात में मैंने पूरा रूम साफ़ कर दिया था, और अभी मैंने काम वाम फिनिश किया है, सोचा चलिए ये भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती डाल ली है, निकाल लिए हैं मैंने तो अपने गर्मियों वाले कपड़े, तो ये वाली कुर्ती और ये वाला इसके नीचे प्लाजो है, मुझे कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक लगता है थोड़ा सा। और मैं हाँ आप लोगों को बेडशीट दिखा रही थी, मैंने ना एक ऑनलाइन बेडशीट मैंने ऑर्डर किया था, मैंने तो ये मुझे देखने में लगा या क्या मैंने प्लेन की थी, बट इस पर हल्का हल्का सा प्रिंट है, ठीक लग रही है फिर भी। मैंने तो मंगा के देखी थी, मैं कहा देखती हूँ कैसी है, इसको डाल करके भी देख सकते हैं, बट बेड पर बेडशीट है अभी क्या, ये वाली बेडशीट मंगवाई थी, वो प्लान ऐसी दिखती है जी, ये कुछ ऐसी लग रही? कुछ ऐसी ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी, ऐसी ऐसी वाली टेबल हमने रख दी है यहाँ पर, ये वाली छोटे वाली टेबल, थोड़ा सा उस रूम का भीड़ भड़ाका सा कम हो गया है। और आलू मैंने उबाल लिए हैं, बस मुझे क्या करना है, टमाटर वमाटर काटने हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं आज बनाने वाली हूँ आलू मटर टमाटर की सब्जी, उबले हुए आलू मटर टमाटर की सब्जी। एक अच्छी सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो थोड़ा सा घी डाल करके मटर को मैंने पहले मतलब वो कर लिया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उबले हुए आलू हैं। और यहाँ पर मैंने डाला था इसमें घी, देसी घी डाला था, और उसी में मैंने डाल दी थी प्याज, और प्याज का हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद में मैंने इसमें मोटा मोटा टमाटर डाल दिया है। टमाटर का थोड़ा सा गलने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो मैंने मटर फ्राई किए थे वही, और मटर डालने के बाद में सारे सूखे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसालों को ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल। तो वो सब होने के बाद में, पूरा मसाला तैयार होने के बाद में, फिर मैंने इसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं, और उनको मैं इसी करछी की सहायता से थोड़ा सा फोड़ लूँगी, ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तो इसमें अच्छा सा उबाल लाना है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देसी घी में बनाना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे मतलब ये आलू खाने थे तो मैंने अपने लिए तैयार किए थे, बहुत अच्छे लगते मुझे दही वाले आलू, तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, दही और चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, गरम मसाला, बहुत सारी चीज़ें डाल करके तैयार किया, बहुत टेस्टी लग रहा था, खाने में अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से कढ़ के तैयार हो गई है, आटा मैंने लगा लिया है, दूध रख दिया है गरम होने के लिए, चमक है काफी चमक, आज चेहरे पे मुस्कुराहट है थोड़ी सी, सी देखना, इतना तो मेरे पास है, सही नहीं बोला मैंने, हाँ सी मींस हो, सी का आधा कर जब हो तो देखना, सी मींस पूरा, सी का मतलब होता है पूरा देखना, अखबार वाली की लाज मुझे गई नहीं, अच्छा मैं तो कहा क्या कबूतर वाली को भी कहीं नहीं गया, तो इसने एबीसीडी पूरी पढ़ी, कहाँ तक है तुमको एबीसीडी तक, एबीसीडी तक ना जब वो हुआ हो गया था ना, एबीसीडी में व्यंजक कितने हो, एबीसीडी में व्यंजक ना होते पागल, हिंदी एकन आर में व्यंजक हो, नहीं इसमें भी हो, उन्हें हिंदी इंग्लिश में क्या कहवे तूने, तू बता क्या कहवे, वोवेल्स, वोवेल्स कितने हो, वोवेल्स बता, हम बता सकते हैं वोवेल्स, बता हमें पता, 21 काटते कितने बचे, काय में से 26 में से 5 रह गए, गलत है क्या, नहीं वैसे बताया था सही था ना, A E O U I O U तो चार विधि बताया,
तैयारी पूरी अच्छे से, वो जो भी कुछ चाहिएगा वो लेके जाइए, कभी वहाँ कुछ बनाने को आ जाए फिर लेके भी ना जाए। हाँ जो मोटरसाइकिल बना लेगी, मोटरसाइकिल अच्छा, गुड गर्ल। तो अभी खाना पीना खाया है, बहुत सारी मस्ती होगी। जब जिस दिन भी अंशुल घर रहता है ना, उस दिन हमारे पेट दुखने लगता है, मतलब कि इतनी हंसी मजाक करता है। आज उनका मूड भी आप लोगों ने देखा, मतलब उसी की वजह से उनका भी मूड अच्छा हो रखा है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि आज वो खुश हैं, थोड़ा सा हैप्पी हैं। कैसे बन बेटा, ये कौन सा तरीका है चुटिया बनाने का? कौन कह रहा प्यारा लगा? चलो अभी बस बर्तन साफ करने हैं, मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, किचन ही साफ कर दी है और गैस साफ करनी रह गई है, मतलब वैसे पूरा बर्तन बर्तन इकट्ठे करके। और मुझे मतलब हाँ यार, मेरे याद आ गया, आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप ना इग्नोर करो इग्नोर करो, आप बहुत सारे लोग मुझे कई दिन से बहुत प्यार से बोल रहे हो ये सब चीज़ें कि भैया को का ध्यान रखो, भैया को खाने को दो, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी जस्ट मैं ना अभी कमेंट्स ही रीड कर रही थी अपने सारे, क्योंकि मैं रात में अब सारे कमेंट का आंसर करती ही हूँ, तो मैं अभी देख रही थी, जस्ट अभी आया मतलब कमेंट आया, फिर मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा आप देखिए लोगों की मतलब सोच कैसे, कमेंट मतलब लोग किस हद तक क्या बोलते हैं। और जब मैं कुछ बोलूँगी तो जो भी मुझसे प्यार करता है वो तो यही बोलेगा कि दीदी इग्नोर करो इग्नोर करो, बट पता है उन्होंने क्या लिखा हुआ था? मैं वैसे ये बोल रहे थे कि नहीं तुम बताना मत, कुछ मत कहना, बोलने दो, बट आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि रिएक्ट हम किस उस पे आके रिएक्ट करते हैं। उन्होंने लिख रखा था कि अपने पति को तो कुछ खाने को देती नहीं है, ऐसी औरत को जो यूट्यूब पे आके ये सब कर रही है, ऐसी औरत को तो सड़क पर खड़ा होकर चप्पल से मारना चाहिए। उन्होंने मुझे कमेंट कर रखा था और इनके लिए लिख रखा है भाई संभल जा, तुझे तो ये बर्बाद करके रख देगी बिल्कुल। मतलब मुझे समझ में ये नहीं आया भाई तू क्या कह रहा है ये, और जेंट्स ही है मतलब उनकी पूरी उससे समझ में आता। दो तीन कमेंट किए उन्होंने, मतलब पढ़ के ना इतना तेज गुस्सा आया, कह रहे ऐसी औरत को ना रोड पे खड़ा करके चप्पल से मारना चाहिए, अपने पति को खाने को कुछ देती नहीं है, क्या हालत कर रखी है। अरे भाई पति मेरा है, मैं ख्याल रखती हूँ यार, उनकी तबीयत खराब है आप लोग तो जानते ही हो, कितने दिन से उनका चेहरा भी आप लोग देख रहे हो, मतलब क्या मुझे उनकी टेंशन नहीं है? मुझे पता है ना मैं पूरा दिन उनको हंसाने के लिए या फिर वो अपनी बीमारी पर इतना ध्यान ना दें ना हो, हम क्या क्या करते हैं, सब चीज़ हम कैमरे में नहीं दिखाते हैं, बट यार प्लीज़ थोड़ा तो मतलब होना चाहिए ना। मैं किसी उसमें नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ को लेकर के। देखिए हमारा हंसने का काम है, हम हंसेंगे अपने परिवार के साथ, हंसमुख करके रहेंगे। मैंने दो तीन दिन ना अपनी मतलब कुछ ऐसी ही मतलब जो रियल में हम कॉमेडी करते हैं वो सारी वीडियो मैंने दो तीन दिन तक डाल दी थी, बट फिर कुछ लोगों का रिएक्शन आया, बच्ची है क्या, ये है वो है, नौटंकी, ओवर एक्टिंग। तो मैंने सोचा नहीं भाई मैं ये नहीं करती हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे कैमरे के सामने आना चाहिए या कैसे नहीं। मेरा तो ये सोची थी भाई थोड़ा बहुत कोई हंस ले तो इसमें क्या जाता है बस, और कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। बट जब लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया तो मैंने वो सब कुछ मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोल लेंगे, उसमें क्या है। तो बस यही सब है यार, होता है मतलब कैसे बोलूँ, मतलब कमेंट्स को पढ़ करके दुख होता है थोड़ा सा, तो होता है। इग्नोर करती हूँ, बहुत इग्नोर करती हूँ आप लोगों को, तो जो लोग कमेंट्स देखते हैं उनको पता होगा कि कितनी गंद मची रहती है कमेंट बॉक्स में। कभी कभी तो मन करता है कि डिसेबल कर दो सारे कमेंट्स, पर फिर मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जो आप हो जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो,
तो उनके कमेंट्स में कैसे पढ़ूंगी मैं? दो चार लोगों के लिए अपना कमेंट्स बॉक्स क्यों डिसेबल करूं? तो मैं फिर यही सोच के ना छोड़ देती हूं। बट कभी कभी आप लोगों से इस चीज़ के बारे में भी जिक्र करना, बात करना अच्छा लगता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूं, मैं आज बहुत रोई हूं। कुछ चीज़ें हुई हैं आज ऐसी, बहुत हर्ट हुई हूं मैं आज। बट फिर कैमरे के सामने आते ही वही हंसना मुस्कुराना, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो देख करके। ये आज बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से बातें करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कमरा कैसा लग रहा है ये प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।